इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा मुहर्रम पर्व नगर में उत्साह के साथ मनाया गया। लोबान की खुशबू से चारों ओर का वातावरण महक उठा। या हुसैन के नारों से पूरा नगर गूंजने लगा। डीजे पर युवा जमकर झूमते गाते नजर आए। नगर पालिका के सहयोग से नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला व पार्षदों के द्वारा उत्कृष्ट ताजिया बनाने वाली कमेटी के सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अंजुमन इस्लाम कमेटी के द्वारा इस्लामपुरा क्षेत्र से दोपहर 1 बजे जुलूस निकला, जो नगर के खंडवा रोड, बस स्टैंड, भवानी मार्ग, मोटक्का चौराहा, सुभाष चौक, जरदार चौक, मछली बाजार होते हुए करबला पहुंचा, जहां ताजियों का समाजजनों के द्वारा विसर्जन किया गया। जुलूस को लेकर सनावत थाना प्रभारी MS रोमड़े के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी। सुबह से ही बस स्टैंड व भवानी मार्ग को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया था तथा जगह जगह पॉइंट बनाकर पुलिस की तैनाती की गई थी। अंजुमन इस्लाम कमेटी के पूर्व सदर कयूम अशरफी ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सनावत थाना प्रभारी का आभार जताया। समाज का पवित्र पर्व मुहर्रम चल रहा था और आज कहने का इसका समापन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है हमारा, शहादत हुसैन की, करबला की शहादत में करबला के नाम से करबला के रोज़ों को देख के लोगों को ये पर्व याद आता है। वो बड़े इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ मनाते हैं, हंसी खुशी भी मनाते हैं और गम के लहजे में भी मनाते हैं। तो ये आज वो पर्व है जो अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है। हमने इसमें एक चीज़ और जोड़ी है कि हमारे देश का हित, हमारे देश के राष्ट्रीय हित में हमने तिरंगे झंडे का जो देश में आह्वान हुआ, हमने उसमें अपना योगदान दिया और घर घर और हर घर झंडे लगाए गए हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये हमारा अंजुमन इस्लाम कमेटी का पैगाम है कि वो लोग शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से अपने घरों पे झंडे लगाएं। अंजुमन सदर शेख साकरीन खजानची, जदार पेंटर नायब सदर मुसुलाला और मैं सरपरस्त कयूम अशरफी और तमाम ताहिर बेग, नायब सदर ताहिर बेग और तमाम मुसलमानों की ओर से मैं इस बात की बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारा इतना बड़ा एक विशाल जुलूस एक बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से हमारी सनावत की परंपरा के हिसाब से जो निकला है, इसके लिए मैं समस्त मुसलमानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किस प्रकार की रही है पुलिस की व्यवस्था? पुलिस ने पूरे मुहर्रम में इस कदर सहयोग किया है हमारा कि जो ADM साहब ने, PI साहब ने, तहसीलदार साहब ने, नायब तहसीलदार साहब ने, इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। किसी बात की ना उनकी तरफ से शिकायत हुई, ना हमारी तरफ से कोई शिकायत उन तक गई। सनावत से नीलेश मलाकार की रिपोर्ट।